इसके अंदर ईंटें जब जोड़ देते हैं, फिर ऊपर से आग बाल कर है ना पहले, फिर कोला डालते जाते हैं, फिर आगे के चलते जाते हैं। अरसलान भाई क्या तैयार हो रहा है यहाँ पर? ये ईंटों का काम है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, नाम क्या है आपका? अरसलान। अरसलान भाई क्या तैयार हो रहा है यहाँ पर? ये ईंटों का काम है भाई।
अच्छा मुझे ना ईंटें बनाने का मुकम्मल जो तरीकाकार है वो बता दें। ईंटें बनाने का तरीका भाई इस तरह है कि ये जो मिट्टी है ना मिट्टी, वो उससे गारा बनता है। ठीक है। गारा बन के फिर उनको साँचे में डाल के ईंट कच्ची तैयार होती हैं, उधर ही कच्ची ईंट तैयार होती हैं, फिर उनको मजदूर बना कर जोड़ देते हैं। ठीक है। फिर उनको रेरे वाले जाते हैं, उठा कर लाते हैं इस भट्ठे के अंदर। ठीक है। इस भट्ठे के अंदर ला कर उनको फिर जोड़ देते हैं। ठीक है। उनको जोड़ने के तरीके बाद में उनके ऊपर कोला आने वाले मजदूर रखे हुए हैं हमने ऊपर, जो कोला जोड़ते हैं, कोला जो उनके अंदर डालते हैं। ठीक है। वो फिर ना ऐसा गोल चक्कर बना हुआ है, ये भट्ठे का आपने विजिट अभी किया है जी जी, इसका पूरा गोल चक्कर बना हुआ है। ठीक है। ये चिमनी के इर्द, ये चिमनी के इर्द गिर्द। ठीक है। इसके अंदर ईंटें जब जोड़ देते हैं फिर ऊपर से आग बाल कर है ना पहले, फिर कोला डालते जाते हैं, फिर आगे के चलते जाते हैं। ठीक है। वो आगे के चलते जाते हैं, पीछे पीछे से ईंटें पक रही हैं। ठीक है जी। फिर उधर से मजदूर और रखे हुए हैं, वो उधर से जाकर ईंटें निकालने। ठीक है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि इस गोल चक्कर के इर्द गिर्द कितनी ईंटें तैयार होती हैं? इस गोल चक्कर के अंदर अंदर 7.5 लाख ईंट आती है इसके अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो ये ईंट बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए होते हैं? जितने मजदूर उतने कम है, लेकिन हमने इस वक्त 200 के लगभग मजदूर हमारे पास मौजूद है। कितने मजदूर? अलग अलग काम है सब? अलग अलग काम है। जो इंटे काची वो जो तैयार करते हैं ना उधर, उनके अलग 35-40 बंदे हैं, और जो ऊपर कोले वाले हैं वो भी 8-10 बंदे हैं, जो इंटे निकाल रहे हैं वो भी 20-25 बंदे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो इंटे निकाल कर ये ऐसे चट्ठे लगा देते हैं, जोड़ देते हैं बाहर। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये मुकम्मल ईंट, वो कच्ची ईंट से लेकर ये पक्की ईंट तैयार होने में कितना वक्त लगता है? ये मैक्सिमम 25-30 दिन लग जाते हैं। 25-30 दिन? 30 दिन लग जाते हैं। इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि वो ईंटे जब एक तरह से लगा रहे हैं ना, तो कम पेश रोज़ाना 20-25 हज़ार ईंट लगती हैं, तो 20-25 हज़ार ही उधर से तैयार होकर निकलती हैं। ठीक है। तो 7.5 लाख ईंट है ना, तो जो जो आज ईंट लगेगी वो उसके 20-25 दिन बाद उसको निकालेंगे। अच्छा, ये जो चिमनी लगी हुई है पीछे जिससे धुआं निकल रहा है, इसका क्या काम है? इसका ही मेन काम ही इसका है, ये जो चिमनी है ना, ये इसके नीचे होल है। ठीक है। जब ऊपर से कोला डालते हैं वो होल, उसको ना अंदर हमने ब्लो लगाया हुआ है, वो खींचता है। ठीक है। वो जो धुआं है ना वो खींच के अगर चिमनी के पास आता है, फिर उसके अंदर एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एग्जॉस्ट। ठीक है। वो ऊपर धुआं ब्लैक जो होता है ना वो नहीं निकालता, वो सफ़ेद कलर का ऊपर से निकालता है। ये जो स्मोक की है ये, इसके भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। अच्छा, यानी कि आलूदगी से पाक धुआं निकलता है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये इसके लिए जगह कितनी दरकार होती है, ये पूरा सेटअप लगाने? ये इनकी कमोपेश 4 से 5 किलो जगह लाजम चाहिए। 4 से 5 एकड़। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर किसी ने ये काम करना है तो इन्वेस्टमेंट कितनी है शुरू करने के लिए? ये जो कारोबार होता है ना उसमें तो जितना मर्जी पैसा डालते जाएं वो कम है, लेकिन कम से कम इसके अंदर पैसा डालने के लिए 3 से 4 करोड़ रुपया मौजूद होना लाजम है शुरू करने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये ईंट तैयार होने में आपका कितना खर्चा आता है, और फिर सेल किस हिसाब से होती है? ये जो खर्चा आता है ना, ये खर्चा मैक्सिमम 7 से 8 हज़ार रुपये 1,000 ईंट के ऊपर आता है। 1,000 ईंट पर 7 से 8 हज़ार? 7 से 8 हज़ार आता है, और हमारी सेल 10-10.5 हज़ार के लगभग होती है बस। ठीक है। यानी कि 11,000 की 1,000 ईंट? 1,000 ईंट। ठीक है जी। अभी ये रेट चल रहा है, अभी थोड़ा 2-3 साल पहले 8.5-9 हज़ार चल रहा था, अभी ये महंगाई बहुत हो गई है ना, मजदूरों की सैलरी भी ज़्यादा है और भी खर्चे ज़्यादा है। पहले ब्लो नहीं थे लगे हुए भट्ठे के ऊपर, अभी ब्लो लगाया हुआ है, और उनके बाद बिजली के बिल हैं, खर्चे बहुत है, इसलिए ये थोड़ा भी रेट अप है। अच्छा, यहाँ पर ईंटें कितनी किस्मों की तैयार होती हैं? ये 3-4 किस्मों की तैयार होती हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ऊपर से दोम उतरती है। दोम ईंट जो कि कच्ची होती है? ज़रा थोड़ी कच्ची होती है। ठीक है। इतनी है, वो जो नीम में लगती है ना जी जी, वो दोम होती है। ठीक है। फिर उसके नीचे आती है अव्वल। ठीक है। अव्वल ईंट आती है, फिर उसके नीचे से तिरक, एक ईंट बोलते हैं तिरक उसको बोलते हैं, वो थोड़ी खंगरी होती हैं। ठीक है। वो भी नियों में लगती हैं। अच्छा, इनके बेस में? बेस में लगती हैं। ठीक है। तो उसके बाद में जो तिरक और दोम होती हैं ना, उनका रेट है अभी 7-8 हज़ार रुपये में, और जो अव्वल है ना उसका रेट है तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये। ईंटों के अलावा और टाइलें वगैरह भी? हाँ, टाइलें भी मौजूद होती हैं, टाइल 10 इंची 9.5 की,
और उसकी लागत ऐसी है ना कि जो टैल है उसका थोड़ा अलग रेट होता है, जो अव्वल है उसका अलग रेट होता है, जो दोम है उसका अलग रेट है, इसलिए तो उसके बाद में जो ईंटें तैयार होती हैं ना, अगर दो में दो तीन दिन निकला है तो हमको बेनिफिट नहीं है, नुकसान होता है। अगर ज़्यादा अक्सरी के साथ अव्वल ईंट निकलें तो फिर हमको 30-40% फ़ायदा होता है। अच्छा, यानी कि नुकसान इसमें और क्या है, नुकसान होने के चांसेस कितने हैं? नुकसान ये तो नसीब की मुकद्दर की बात है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि नुकसान जानबूझ के तो कोई भी नहीं करता। अगर कोई मिस्टेक हो जाए, जैसे वो ऊपर कोले वाले हैं ना, उनके कोई लीक हो जाए किधर से गैस, तो फिर मुश्किल आती है। अब दो में निकलती हैं दो तीन दिन, तो ऊपर से लीक ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहता है निज़ाम। अच्छा जी, ठीक है, मुझे बताएं कि इसमें मार्जिन कितना है, आपकी प्रॉफिट मार्जिन कितना है? प्रॉफिट 30-35% है, इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये काम शुरू करने से पहले कैसे सीखा जा सकता है? ये काम सीखने का नहीं है, जो भी काम है सारा मज़दूरों ने करना है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए आदमी को बस। जो भी है ना, जो कच्ची ईंट तैयार करते हैं वो भी अलग मजदूर है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, भी वो अलग अलग शोबे के बंदे हैं हमारे रखे हुए हैं। बस हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है और एक नीचे मुंशी रखा हुआ है, वो उनके ऊपर जाता है, वो काम करता है, वो ही इसने बस हमने शाम को आना है, सुबह को आना है, देखना है थोड़ा बहुत, बाद में चल जाना है, बाद में आके कैश लेके घर चल जाना है। अच्छा, ठीक है, अगर कोई ये काम शुरू करना चाहता है तो उसे आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? ये मशवरा यही है कि काम अच्छा है, नीयत से बंदा शुरू करे तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट अच्छा है? प्रॉफिट अच्छा है। चलें जी, थैंक यू। इससे पहले कि गुरबत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।